अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी जो एनर्जीज़ मुझे पिक हुई हैं, और इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प भी हो सकेगी अपने आप को अपने डीएम के लिए पॉजिटिव रखने में, और इसमें वेज़ भी बताऊंगी कि कैसे आप लोग अपनी परेशानी और जो एक उलझन में फेमिनाइंस कभी कभी हो जाती हैं अपने पर्सन की साइलेंट बिहेवियर की वजह से, या फिर अपनी उसकी जो है इग्नोरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, उसको लेके बहुत बुरा भला सोचना शुरू कर देती हैं। तो यकीनन इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। तो कुछ फेमिनाइंस जो हैं वो अपने डीएम को बुरा भला सोचने लग जाती हैं किसी भी रीज़न के तहत, कि उसने मुझे टाइम नहीं दिया, या उसने मुझसे कल बात नहीं करी, या उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, या जो भी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखें कि कौन सी बात से आपको अपने डीएम पे शदीद गुस्सा आ रहा है। और यहाँ तक भी फेमिनिन सोच लेती हैं, यहाँ तक सोचने तक का फ़ैसला कर लेती हैं कि हम अब इस जर्नी में कंटिन्यू नहीं करेंगे, और अब हम जो है इस जर्नी से बाहर निकलना चाहते हैं और इसको ख़त्म करना चाहते हैं सब कुछ। तो हमें ख़त्म करने का तरीका बताएं। देखिए, ख़त्म इसको आप नहीं कर सकती, ये जर्नी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, आप इसको एंड नहीं कर सकती, ठीक है। भले आप 3D में डिसकनेक्ट हो जाएं, 3D में आप जो हैं वो दूर हो जाएं, 3D में जो हैं आप स्पेस बना लें, लेकिन ये सोल की जर्नी है, ये आपकी सोल का कनेक्शन है, इस कनेक्शन से आप नहीं भाग सकती, ठीक है। आपकी सोल जो है वो उसकी स्लेव है, ठीक है, स्लेव है आपके डीएम की, आपकी सोल ग़ुलाम है, आपकी सोल जो है आपके डीएम की, वो जब खींचेगा, वो जब बुलाएगा, आपकी सोल दौड़ी चली जाएगी। तो इससे तो आप नहीं बच सकती हैं, नहीं तो आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी। 3D में आपको जो है एक आपकी जो है 3D लाइफ जो है वो उथल पुथल मच जाएगी, उसमें आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकती हैं। तो जिन फेमिनाइंस को भी कन्फ्यूजन होती है कि हमारे डीएम ने कल हमें टाइम नहीं दिया, परसों टाइम नहीं दिया, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, टाइम निकालें, डीएम के पास भी टाइम हो, ऐसा भी यानी कि होता है ना कि डीएम भी कभी कभी बिज़ी होता है, उसके पास भी टाइम नहीं होता है। अपनी तरफ से बिला वजह फेमिनाइंस बहुत ही कुछ सोच लेती हैं, तो टाइम निकालें, बिल्कुल ईजी जो है वो मतलब कि होने दें उसको भी, और फिर आप उससे पूछें आपके दिल में जो जो सवाल आप मुझसे करती हैं, या जो जो आपके दिल में बातें हैं, जो आप मुझे कहती हैं कि मुझे उससे अलग होना है, या वो ऐसा कर रहा है, या वो वैसा कर रहा है, तो बिल्कुल सेम वही बातें आप अपने डीएम से करें। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकती हूँ, आपकी सोल को गाइड कर सकती हूँ कि आपकी सोल को किस तरफ से सेटिस्फेक्शन, किस तरफ से सुकून, और किस तरफ से आपको जो है वो जवाब मिल सकता है, या रोशनी मिल सकती है, या रास्ता मिल सकता है। मैं एक सोल गाइडर हूँ, तो बाकी मैंने आपको बताया, आपका सोल का मास्टर, आपका जो है गुरु आपका जो है वो आपका डीएम है। तो आप जो बातें मुझे कहते हैं ना कि मुझे उससे दूर होना है, मुझे इस जर्नी से बाहर निकलना है, मुझे डीएम ने ऐसे बैड ट्रीट किया, मुझे जो है वो उसने ऐसा इंसल्ट किया, उसने जो है मुझे हर्ट किया, तो सेम वही सारी बातें आप अपने डीएम से करके देखें। आप मेरी बात आज लिख लें कहीं कि आपको जवाब, सेटिस्फेक्शन, पीस वहीं से मिलेगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये सबकी हेल्प हो सके, कि जो जो अपनी जर्नी में परेशान हो जाते हैं ना कि सलूशन नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा, बहुत घबराहट है, रोना आ रहा है, बहुत तकलीफ़ में है, वाकई ये पेनफुल जर्नी है, ठीक है, ये बहुत पेनफुल जर्नी है, लेकिन आपका जो है वो पीस भी आपके डीएम के पास ही है, और हर चीज़ का जवाब भी आपके डीएम के पास ही है। तो जो वो जवाब देगा ना, वही आप देखेंगी कि उसमें ही आपका जो है आंसर है, उसी में ही आपका सुकून है, और वही आंसर आपको पॉजिटिव बनाएगा, और पहले से ज़्यादा मोहब्बत आपको अपने डीएम से करवा देगा उसका वो जवाब, ठीक है। तो ज़रा सा पेशेंस रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है कि वो थर्ड पार्टी में बिज़ी है, वो हमें भूल गया, ऐसा नहीं होता। जैसे आप तड़पती हैं ना अपने डीएम के लिए, सेम उसकी भी वही फीलिंग्स होती हैं, वो भी आपके लिए तड़पता है, वो भी आपके लिए बेचैन होता है, वो भी आपको याद करता है, वो भी टाइम निकालना चाहता है आपके पास आने के लिए। बस ये जर्नी ही ऐसी है कि इसमें जो है आपके कार्मिक्स अटैक भी होते हैं, आपको फंसाया भी जाता है कार्मिक्स में, और फिर जो है
आम दोनों को ही अपनी प्रायोरिटी और अपना लव जो है ना वो चेंज नहीं करना है अपने जो है अपने ट्रू पार्टनर के लिए। ये आपका टेस्ट है कि आप किस पे बिलीव करते हैं, आप किस की तरफ जाते हैं, आप जो है कार्मिक्स को चूज़ करते हैं, सोलमेट्स को चूज़ करते हैं या अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करते हैं। तो ट्विन फ्लेम को चूज़ करना समटाइम जो है वो बहुत मुश्किल भी होता है, आसान नहीं है कि हर चीज़ से जो है बाहर निकल के सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ कर लिया जाए, बहुत मुश्किल ये काम है। तभी आप लोगों को डाउट भी होता है कि ये जर्नी होती भी है कि नहीं होती है, इसमें ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो आप अपने आप को पहले जाके देखें, आप उस टाइम को देखें कि जिस टाइम आप अपने डीएम के साथ हैं, जिस टाइम आप अपने डीएम के साथ एक अच्छा जो है वक्त गुजार रहे थे, बबल फेज गुजार रहे थे या जो भी, तो वो पल कैसे थे, वो टाइम कैसा था, वो उस टाइम पे आपकी लाइफ जो है वो कैसे चल रही थी। तो हर चीज़, हर खुशी, हर कुछ आपका आपके डीएम के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वो पुल करेगा, जब वो आपको सोल लेवल पे खींचेगा, सोल लेवल पे बुलाएगा, तो यहाँ आपको बेचैनी होगी और आप जो हैं वो जाएंगी उसकी तरफ, ठीक है। और आप जो हैं उससे दूर नहीं हो सकते, आप जो है उसी की हैं और उसकी ही मतलब आपको रहना पड़ेगा। आप इधर उधर नहीं हो सकती, इधर उधर नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी सोल जो है वो उसी की है। 3D में आप स्पेस बना लें, 3D में आप जो भी चाहें गैप कर लें, लेकिन जब आप थक जाएंगी, 3D में भी दूर रह रह के थक जाएंगी, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो है वो उसी से ही अटैच हो जाएंगी। तो ऐसा ही होता है ये आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन, तो इसमें आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि आपके सारे सवालों के जवाब आपके DM के पास हैं। तो टाइम देखें, मौका देखें और उससे अपनी बात को कहें, और बहुत अच्छे अंदाज़ में कहें, आपको अच्छे अंदाज में ही जवाब मिलेगा, ठीक है। जैसा आप उसको देंगी वैसा ही आपको मिलेगा। आप उसको अभी आप उसकी स्लेव बन के बहुत अच्छा जो है टाइम गुजार रही हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है अपने पर्सन का ओबीडियन बनना और झुक के रहना, इसमें मज़ा भी बहुत आता है। तो आप जिस तरह रहेंगी, ये आप जो है वो भी आपके साथ ऐसा ही रवैया करेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखें और जर्नी पे ट्रस्ट रखें, ख़ुद पे ट्रस्ट रखें कि सब बेहतर ही होगा। जो आप कर रही हैं उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आपको पुरानी वीडियोस में मैंने बताया प्रेजेंट मोमेंट में रहना, आप अपने प्रेजेंट को अच्छा बना रही हैं, इसमें आप कुछ बुरा नहीं कर रही हैं, तो आपके साथ भी इन फ्यूचर अच्छा ही होगा, ठीक है। तो होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को ये क्लियरिटी मिली होगी कि जो है हमें जो जवाब हैं वो हमारे कौन सही दे सकता है, कहाँ से हमें डायरेक्शन सही मिल सकती है, ठीक है। और अच्छा, जो अभी इस टाइम सेपरेशन में है, जिनके DM उनके साथ नहीं है किसी रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कार्मिक्स की वजह से, किसी भी प्रेशर की वजह से छोड़ के चले गए हैं, उनसे दूर हो गए हैं, तो आप उनकी तरफ उनके लिए नेगेटिव मत सोचें। तो ये भी उनका हो सकता है किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिसको उनको कंप्लीट करना हो, उनके लिए दुआ करें कि वो भी अपने हर सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो क्लियर हों। तो इसका इम्पैक्ट आप पे भी आएगा इंशाल्लाह। और आप जो हैं वो इधर उधर जैसे कि लोगों को तलाश ना करें, सोलमेट्स को ना ढूंढें, या फिर जो है वो इधर उधर ना भटकें। आप बिल्कुल इजी रहें, रिलैक्स रहें, और मे बी आप इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर लोगों को ढूंढेंगे, सोलमेट्स को ढूंढेंगे, इधर उधर मुंह मारेंगे, तो आपको कार्मिक ही टकर जाएंगे और आपको फिर से एक लेसन देंगे, एक पेन देंगे, एक बहुत बड़ा ट्रिगर देंगे। तो बेहतर है आप रिलैक्स रहें, और चाहें तो आप अपना इधर उधर जाकर देख भी लें, क्योंकि आपके साथ रिपीट साइकिल होगी। आपको कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे, कुछ कार्मिक्स मिलेंगे जो कि आपको दोबारा से लेसन देंगे और आपको जो है फिर से इसी जिस पेन में अभी आप हैं, तो उससे भी बुरा शायद पेन आपको दोबारा झेलना पड़े। तो आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें, अपनी स्किल्स को देखें, उसको पॉलिश करें, उसको जो है यूज़ करें, और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, क्या आपके पास टैलेंट है उसको यूज़ करें, और प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अपने मतलब अल्लाह ताला से कनेक्शन मजबूत बनाएं, 5 times प्रेयर्स करें। ज़रूरत नहीं है आपको कि बहुत ज़्यादा आपको जो है स्पिरिचुअल पावर्स चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो वो स्लो स्लो आपका वर्क हो रहा है, क्योंकि आपको अपना ट्विन पता है, आपको इस जर्नी का पता है। तो आप अपने देखें DM की तरफ से मिलने वाले ट्रिगर्स को आप कैसे फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके दिल से उसके लिए क्या निकल रहा है, प्रेयर्स निकल रही हैं, हेट निकल रहा है, कर्स निकल रहा है, ये सब चीज़ें देखें।
इस पे वर्क करें, ठीक है, और दूर रहकर अल्लाह ताला से बस आप अपनी इबादत करें, अपने टाइम को जो है वो प्रेजेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करें, और वेट करें कि क्या आपको यूनिवर्स आपको देना चाहता है, आपको तरफ भेजना चाहता है, कौन से लेसन्स, कौन से लोगों से आपके कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करें। अगर डीएम दूर हो गया तो इसमें भी डिवाइन की कोई प्लानिंग होगी और इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा होगा, तो इसमें परेशान नहीं हो। और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन जो है वो आपको एक बहुत पीस जो है वो देती है, और आपके जो है टेंशन, आपके डिप्रेशन, आपकी एंगजाइटी, इन सब चीज़ों से आपको ओवरकम होने में मदद करती है। तो मेडिटेशन करें, और जिस मज़हब से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं उसको फॉलो करते हुए करें, और अगर आप मुस्लिम्स हैं तो फिर आप मुस्लिम के जो मेडिटेशंस हैं उनको फॉलो करें। मैं भी मेडिटेशन सिखाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फेमिनाइंस को जो है वो मेडिटेशन सिखाने में हेल्प करती हूँ। अगर किसी को मेरे थ्रू मेडिटेशन सीखनी है और वो भी अपने पर्सन से दूर है, उसका पेन उनसे नहीं सहा जा रहा है, उसके ट्रिगर्स की वजह से परेशान है, बहुत लो वाइब्रेशन में जा चुके हैं, तो मेडिटेशन आपको हाई वाइब्रेशन में जाने में बहुत हेल्प करता है। तो जिनको भी मुझसे पर्सनली मेडिटेशन की ज़रूरत हो तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पे जो है कांटेक्ट कर लें, तो मैं उनको आगे का प्रोसीजर बता दूंगी कि किस तरह से आप मेडिटेशन जो है वो सीख सकते हैं, और मेडिटेशन में जो है आप कैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, पीस में ला सकते हैं। और ये एक ऐसा वे है कि आपको हर चीज़ से जो है, हर टेंशन से, हर परेशानी से बाहर निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। तो यही था आज का वीडियो, होपफुली आप लोगों को इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।